हाय गाइस, वेलकम टू फनचो ब्लॉग्स। और जैसे मैंने बोला था आपको, ये ब्लॉग पार्ट टू में बनने वाली है, तो पार्ट टू शुरू हो चुका है गाइस। ये पार्ट टू है और आप देख सकते हो गाइस, जैसे यहाँ पर ये बस स्टैंड है, बस आ गई है, लगभग यही बस जाने वाली है वलीगढ़। तो अभी बस में जाने वाले, वो गढ़ चढ़ना है गाइस हमको। तो ये बस अभी बस आ गई, तो बस में हम जाने वाले हैं गाइस। तो ब्लॉग एंड तक देखना गाइस, बहुत मज़ा आएगी। और अभी ये बहुत बड़ा घाट चढ़ने वाले हम लोग, तो देखिए गाइस मेरा ब्लॉग। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो गाइस, जैसे बस आई वैसे भीड़ नहीं थी और अचानक भीड़ आ गई गाइस। देखो बहुत ही भीड़ है बस में, और ये चालू हो रहा है गढ़। तो गाइस अभी ये देखो रोड यहाँ से चालू हो रहा है नीचे से, तो वहाँ से अभी ऊपर जाना है। ये ऊपर है ना, बहुत भीड़ है। और आजू बाजू देखो गाइस, पहाड़ी पहाड़ है यहाँ पर। अभी चालू हो रहा हमारा जर्नी गढ़ की। और देखो ये ए और बी, और ये ऐसे इसमें ही हम जाने वाले हैं। तो एक बार एक इतना खूबसूरत नज़ारा है गाइस। देखो पहाड़ में स्थित सप्तशृंगी माता जी का मंदिर है, तो बहुत ही, और हमने जैसे दिखाया था मेरी मौसी के गांव से पार्ट वन में, तो ये ही वो, ये जो वो दिख रहा है ना कॉर्नर, वो दिखता है गाइस। और ये कॉर्नर दिखता है, मैंने जैसे बोला था ना बीच में, तो ये बीच वाला पहाड़ है, उसके पीछे मंदिर है। तो गाइस आप ये देख सकते हो मंदिर है। और जैसे हमने प्रसाद ले लिया है माता जी के लिए, अभी हम वहाँ से टिकट निकालेंगे, फिर जाएंगे यहाँ बैठ के गाइस। तो वीडियो में एंड तक बने रहना गाइस, बहुत ही मज़ा आने वाली है आपको। तो देखिए गाइस, जिसको भी रोपवे से जाना हो तो गाइस टिकट यहाँ से लेना पड़ेगा। सहयोग ये बहुत बड़ा गेट आएगा, आपको दिखेगा सामने, और आप देख सकते हो गाइस पार्किंग और रोपवे की इधर अपनी बोर्ड मारा है, तो रोपवे जाना हमारा मार्ग। तो यहाँ पे गाइस हमको टिकट लेना है, आप देख सकते हो। तो हम रोपवे में जाने वाले गाइस, क्योंकि पार्ट वन में हमें बाबू सारा से नासिक चल के आया हूं ना, तो गाइस मेरे पैर की ऑलरेडी वाट लग गई है। तो 545 सीढ़ी पे चढ़ के जाऊंगा, तो रोपवे में जाने वाला। तो यहां से रोपवे की लाइन चालू हो रही है, तो यही रोपवे में टिकट लेके वहां पे चढ़ना पड़ेगा हमको। आप देख सकते हो, तो देख सकते हो गाइस, 100 रुपीज़ मैंने ले चुका हूँ। यहाँ से रोपवे की टिकट लेनी है, प्लीज। तो गाइस रोपवे की टिकट मिल चुकी है हमें, काउंटर देख सकते हो आप, ये यहाँ से लेनी पड़ती है। तो हम अभी यहाँ से जाएंगे गाइस। तो आपने देख लिया होगा रोपवे का हिसाब, मतलब कार्ड मिलता है तभी वो कार्ड में अंदर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। तो हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से एग्जिट होने का रास्ता है आर्मी वाले। जय हिंद। मैंने एक मिस्टेक कर दी है, मुझे लगा टिकट लेके बाहर निकलना पड़ता है, तो गाइस बाहर नहीं निकलना पड़ता है, यहाँ से वहाँ से टिकट लिया ना, तो वहाँ से ही रिटर्न हो, मतलब उसके बाजू में जो है तो वहाँ से ही अंदर जाना पड़ता है। तो गाइस उसके लिए सॉरी। ये देखिए गाइस, इधर लिखा है रोपवे, तो यहाँ से हम जाने वाले हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ से एंट्री रोपवे की, अगर जो चली गई तो गाइस वेटिंग के लिए इधर बहुत ही, मतलब बैठने के लिए दिया है चेस। तो ये सब रोपवे में जाने वाले गाइस, तो हम भी जाने वाले हैं। देख सकते हो इसको वेट 2-3 घंटे के बाद जाना है, तो वो यहाँ से जा सकता है। और गाइस छोटे बच्चे के लिए खेलने के लिए वहाँ सब बुल राइड है, वाटरफॉल है, एम्यूजमेंट पार्क है। तो यहाँ से चालू होता है गाइस, यहाँ पर भीड़ लग गई है। देखो एंट्री प्रवेश, तो गाइस हमने वो पीवीसी कार्ड दे दिया है, यहाँ से स्टार्ट होता है रोपवे। आप देख सकते हो रोपवे कड़े जाना रे मार्ग, तो हम ऑलरेडी तो मराठी है ही गाइस, तो सब पता है हमको। पेड़े वगैरह लेना भूल गए, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। या देखो गाइस, ये इधर भी रोपवे की तरफ भी दुकान लगती है गाइस, ये बहुत। गाइस देखो ये एक ये आ गई है, और महाराष्ट्र शासन ने लिखा है देखो गाइस ये पीछे से, ये रहा गाइस। अभी यहाँ पर लोग जाएंगे यहाँ से, मतलब अंदर सीट है जैसे बैठने का गाइस, बहुत ही बढ़िया। पहली बार हम लोग आए हैं यहाँ पर,
नहीं तो हम जब भी आए तो सीढ़ी से जाते थे, पर इस बार हम लोग रोपवे में जाने वाले गाइस। ये रहा गाइस, यहाँ पर वेटिंग कर रहे हैं हम। देखो गाइस कैसी आई ना। One eternity later. गाइस इंतजार की हुई घड़ी खत्म और ए बी निकल चुकी है, अभी ए आर कर रही है, तो जल्दी से आ जा भाई। हम प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर खड़े हैं, वो 5 है ये 6 है। यहाँ से डायरेक्ट 70 श्रृंगीगढ़ माता जी के मंदिर छोड़ेगी हमको, तो ये आ रही है। तो फास्ट लोकल है तो साइड में हो जाओ गाइस कृपया करके। रोपवे में बैठ गए और ये एक जो ट्रेन जैसा है उसमें 60 जन बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए आप गाइस ऊपर जा रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस अभी व्यू, बहुत ही मस्त व्यू देखना गाइस। फाइनली अभी पहुंचने वाले हम लोग, अभी लाइन है और भैया इंदौर से आए हैं। इंदौर से इस बार माता जी का रूप कुछ अलग होने वाला है। इससे 10 साल पहले माता जी को कुंकू से कर दिया था, तो इस बार माता जी का कुंकू उतर गया है, तो इस बार माता जी का रूप अलग होने वाला है। तो इससे वो भीड़ भी उस तरह से लगी है गाइस, क्योंकि इस बार माता जी का कुछ अलग ही रूप है। और देखना गाइस अभी इधर से तो मैं ब्लॉग पे फोटो डाल दूंगा माता जी की, एक जन मेरे पास दिया है फोटो, क्योंकि इधर गाइस मोबाइल ले लेते हैं, देते नहीं हूँ वापस। तो जितना ब्लॉग बनता है मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, अगर अंदर मोबाइल ले लेते हैं फिर उन लोग गाइस देते नहीं मोबाइल, तो जितना हो सके उतना मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखना एंड तक बने रहिए गाइस वीडियो में। हमसे भी बड़े भक्त वहाँ पर है, ये देखो गाइस वहाँ पर खिलाया जा रहा है, और ये देखो गाइस इसने बस चपाती लेके भाग रहा है गाइस, हमसे गिराते जा रहा है बरसात, ये रहा गाइस इतना है उसका काम हो गया। और तीन मेरे को लाइन में बैठे गाइस, ये पूरी है माता जी सामने देखो गाइस, पूरा माता जी का चेहरा है। और इस बार चेंज हुआ है माता जी, तो गाइस अभी हमें प्रसाद खिलाने वाला दर्शन हो चुका है, जितना भी दर्शन हो जाता है। और यहाँ तक की एंड तक गाइस अभी हम ज़्यादा नीचे जाएंगे, पार्ट 1 में प्यार दिया है गाइस, तो पार्ट 2 में भी इसे प्यार दिया है। पूरा हो गया है माता जी का दर्शन, ये प्रसाद था वो हम थोड़ा बंदरों को चढ़ाया थोड़ा, फाइनली सब
इच्छा भी पूरी हो गई, मान्यता भी पूरी हो गई, अभी हम जाएंगे नीचे का ही। फाइनली छत्तर चुंगी माता जी के दर्शन हो गए, और जैसे पार्ट वन में आपने प्यार दिया वैसे ही पार्ट टू में भी दे देना गाइस। और मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से टिकट लेते हैं, 100 रुपये की टिकट है। और जैसे ही माता जी के दर्शन हो जाए तो गाइस अलग से एक लाइन लगती है रोप वे में जाने की वापस नीचे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और ये नीचे बेल आइकन आ रही है ना गाइस, इसे प्रेस करो ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।